वैसे तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना के लिए जाना जाता है। हनुमान जी से जुड़े हुए कोई भी उपाय आप मंगलवार को करते हैं, जीवन से जुड़ी कोई भी समस्या के लिए आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, मंगलवार वाले दिन विशेष रूप से आप उपाय करते हैं, शीघ्र फलित हो जाते हैं, इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन मंगलवार वाले दिन टोटके भी किए जाते हैं जिनका शीघ्र आपको असर दिखाई देता है, मात्र 2-3 दिन में ही इनका असर आपको दिखाई देने लगता है। बार बार चोट लग रही है या बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं आपके, या आपको कोई गंभीर बीमारी हो गई है, इसके लिए आपको, या आपका मंगल अष्टम में बैठा हुआ है और बार बार आपको परेशानियां दे रहा है, बीमार करता है आपको, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहा है आपको, या बेवजह आप झूठे केस में फंसते चले जा रहे हैं, तो आज आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए, इस वीडियो में आपको मैं आज विस्तार से बताने वाली हूँ। इसके साथ ही अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली हूँ। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। दोस्तों, मैं जो आपको नियमित अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, आप सभी जानते हैं दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी देश, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, इवन किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिला, पुरुष, बच्चे, हर कोई करके शुभता प्राप्त कर सकता है। सबसे पहले ये आपके मानसिक तनाव को दूर करते हैं, ऑरा को क्लीन करते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। आप सभी पूछते हैं ऑरा क्या चीज़ है। ऑरा एक लेयर होती है जो हमारे चारों तरफ होती है, बाह्य आवरण, जिसको कहते हैं नज़र लगना। वो सबसे पहले हमारी इस ऑरा ही, जो हमारी निगेटिव होती है, तभी हम बीमार पड़ते हैं। ये स्ट्रांग होती है, हम पर किसी की नज़र का भी कोई असर नहीं पड़ता है। इम्यूनिटी, हमारी बीमारियों से लड़ने वाली क्षमता, ये कमज़ोर होती है तो हम छोटी छोटी सी बीमारी तुरंत असर कर जाती है। जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, तो ये रोग बीमारियाँ भी आपसे दूर बने रहते हैं। सो इसलिए आपको ये इन्हें नियमित करना होता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपसे मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, आज का राहु काल है 2:50 से 4:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:42 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। दोस्तों, आज चंद्र ग्रहण भी है, ग्रहण का समय भी 2:41 से 6:20 तक है। तो ग्रहण काल में आप विशेष रूप से, जो मैं आपको पहले वीडियो दे चुकी हूँ, मंत्रों की साधना कर लीजिए। गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मेरा वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों, मैंने आप विशेष रूप से आपको विशेष आराधना करने के लिए, क्योंकि इस दिन देव दीपावली भी है, तो देवों के निमित्त भी आपको दीपक जलाने हैं। रात्रि के समय आपको हनुमान मंदिर में जाकर एक चमेली के तेल का आपको दीपक जलाना है, गुड़ और घी का भोग लगाइए, साथ में बूंदी का प्रसाद लगाइए और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, वो आपके जीवन में आ रहे सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें। आज की अमृत की बूंद में आपको चुटकी भर फिटकरी अपने नहाने के पानी में डालिए, इस पानी से आप स्नान करेंगे तो आपका दिन लकी और बेहतर हो जाएगा। जादू अक्षर है अमन वाला आ, इस आ शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। दोस्तों, मंगल जो कि ऊर्जा का कारक है, जब भी ये नीच हो जाता है या शत्रु राशि में बैठ जाता है, शनि से दृष्ट हो जाता है या बुध से दृष्ट हो जाता है, बुध से दृष्ट होगा तो आपको स्किन एलर्जी बेहद गंभीर तरह से आपको देगा, शनि से दृष्ट होगा तो बार बार चोट चपेट आपका एक्सीडेंट कराएगा, राहु से दृष्ट होगा तो बार बार आपकी काम अटकेंगे, बिगड़ेंगे और बेवजह के आप लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद में आप फंसे रहेंगे, साथ में बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। इस दिन आपको विशेष टोटके करने चाहिए। अब अगर आपकी कुंडली में मंगल भी है आप और आप मांगलिक हैं और आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो पहले मैं आपको विवाह का उपाय दे रही हूँ। इसमें आपको एक कोरी ईंट लेनी है, ईंट जो कि
गेरू रंग की ही होनी चाहिए। सीमेंट वाला टाइल्स मैं नहीं बता रही हूँ, ईंट को कहते हैं गेरू रंग की ईंट होती है जो कि मिट्टी से ही तैयार की जाती है। पकी हुई भट्टी की एक ईंट ले लीजिए नई, इस पर आपको कोयले से पहले इसको दूध के छींटे, थोड़ा सा दूध लीजिए 2 चम्मच, पानी मिक्स कीजिए, उससे इसे धो लीजिए। अब इसके ऊपर आप काले कलर के कोयला होता है या तो उससे, या ब्लैक कलर के स्केच से, या फिर आप ब्लैक कलर का कोई भी जो मोम वाले कलर आते हैं, वैक्स वाले कलर आते हैं उससे। बाधाएं, बीच में आप लिखेंगे बाधाएं, उसको अंडर सर्किल कर देंगे। ईंट का जो प्लेन भाग होता है उस पर आपको लिखना है, जिधर लिखा रहता है ईंट पर कुछ नंबर वगैरह लिखे रहते हैं उस तरफ नहीं, प्लेन वाले भाग पर। सिर से उस पीड़ित व्यक्ति के 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, पॉलिथीन में डालिए, दूर ले जाकर, अगर आपके शहर में रेल की पटरी है उसके पार फेंकाइए और चुपचाप वापस आ जाइए। तो ये कैसा भी आपके जीवन में मंगल से पीड़ित आपकी कोई भी कार अटक रहे हैं, विवाह इत्यादि में बार बार अटकलें आ रही हैं, वो आपकी समाप्त हो जाएंगी एक बार के इस उपाय से। बार बार चोट चपेट की दुर्घटनाएं हो रही हैं आपके साथ में, तब आपको एक स्टील का कढ़ा आपको पहले ले जाना है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने के बाद इसे अपने पुरुष हैं तो सीधे हाथ की कलाई में और महिलाएं हैं तो लेफ्ट हैंड की कलाई में इसे धारण कर लीजिए। अब मान लीजिए मंगल आपका इतना खराब है कि आपको वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं दे रहा है या वाणी से संबंधित आपको समस्याएं दे रहे हैं, आपकी बार बार किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बेवजह का विवाद में आप फंस जाते हैं, तो सोमवार वाले दिन एक माचिस, पूरी नई माचिस आपको लेनी है, डिब्बी लेनी है पूरी, सिरहाने तकिए में रख लीजिए, रात्रि भर आप इसमें सो रहे हैं अपने सिरहाने रख दीजिए, उस पीड़ित व्यक्ति के सिरहाने भी रख सकते हैं आप रख दीजिए। दूसरे दिन उसी व्यक्ति को भेजिए मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, एक चाहे तो तिल तेल का दीपक लेकर भेजिए, चाहे शुद्ध देसी घी का हो या चमेली के तेल का दीपक, ये ले जाए, साथ में गुड़ चने का भोग ले जाए और माला, अगर गुलाब की मिल जाती है, गेंदे की मिल जाती है, आंकड़े की मिल जाती है, जो श्रद्धा के साथ में आप ले जा सकते हो वो ले जाइए। वहाँ पर ये दीपक जलाइए, फूल दीप दीप सब कुछ अर्पित कीजिए, मनोकामना बोलिए अपनी, जो भी समस्या है वो समस्या बोलिए, समस्या के निवारण के लिए बोलिए। इसी माचिस से दीपक जलाने के बाद इस माचिस को आपको वहीं छोड़कर लाना है, आपको वापस नहीं लाना है। ये उपाय आप लगातार 9 मंगलवार आप करेंगे। 9 मंगलवार होते होते आपके वो जो अटके कार्य जो आपके नहीं हो रहे हैं या मंगल आपको किसी भी तरह से पीड़ित कर रहा है, उसका सभी पीड़ाएं आपकी शांत हो जाएंगी। वाद विवाद में फंस गए हैं वो आपका शांत हो जाएगा, कोर्ट कचहरी में भी आपको राहत मिल जाएगी। बीमारियां हैं पीछा नहीं छोड़ रही हैं, उन बीमारियों में आपको सही डायग्नोज सही इलाज मिलेगा और आपको भी दवाइयां लगने लगेंगी, ये मंगल आपके लिए शुभ होने लगेगा। तो ये 9 मंगलवार का उपाय लगातार करना होगा, बीच में अगर आपने एक भी मंगलवार छोड़ दिया तो ये उपाय खंडित हो जाएगा, आपको इसको दोबारा से शुरू करना होगा। तो दोस्तों मैंने आपको 3 उपाय दिए हैं, ये तीनों ही उपाय बहुत ही कारगर हैं, करने से ही आपको पता चलेगा इनसे कितना लाभ मिल रहा है। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 7 नंबर यानी 7 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखिए। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, स्क्रीन पे मेरा नंबर है 8077506510, इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। यंत्र के बारे में जानना चाहते हैं यानी कवच के बारे में जानना चाहते हैं, जीवन रक्षा कवच के बारे में भी जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। वीडियो देखते रहिए दोस्तों, कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट में पूछिए जरूर आपको क्या समझ में नहीं आया है, कोई आपकी जिज्ञासा है जिसे आप मेरे द्वारा जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, मैं पढ़ती हूँ कमेंट, मुझे वहाँ समझ में आता है मैं आपको तुरंत वहाँ पर रिप्लाई कर भी देती हूँ। सो दोस्तों लिखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, स्वस्थ रहें मस्त रहें, अपने अपनों के साथ खूब ख्याल रखें। आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।